माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि मैं एक ऐसे जिले से आती हूँ जहाँ बड़े भूभाग पर खेती होती है तथा पशुपालन लोगों का मुख्य व्यवसाय है, अतः कृषि अनुदान और मांगों पर बोलने का जो आपने मुझे मौका दिया है, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। अध्यक्ष महोदय, भारत एक कृषि प्रधान देश है। इतनी बड़ी जनसंख्या का पेट भरना तथा चींटी से हाथी तक की भूख मिटाने तक का ही जिम्मा कृषि का नहीं होना चाहिए। कृषि राष्ट्रीय आय में किस प्रकार बढ़ोतरी करे, इस बात पर ध्यान दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी, जिन्होंने कृषि का एक मजबूत आधारभूत ढांचा खड़ा करने के लिए विभिन्न योजनाएं की हैं तथा कृषि अलाभ का सौदा न रहे, कृषक का जीवन स्तर ऊंचा उठे, इसकी चिंता भी की है। केंद्र सरकार के बजट में पहली बार, मैडम मैं कहना चाहूंगी, खेती किसानी किसान के नाम सम्मिलित किए गए हैं तथा बजट में गत वर्ष 48,073 करोड़ की राशि आवंटन की गई थी, जिसको बढ़ाकर इस बजट में 51,026 करोड़ रुपए कर दिया गया। इस तरह से 6.1 अधिक राशि आवंटित की गई है। अध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्रालय ने विभिन्न योजनाओं पर, जैसे कृषि और कॉपरेशन में 5.1% राशि ज़्यादा दी है, शिक्षा और अनुसंधान पर 9.0% राशि ज़्यादा दी है, डेयरी पशुपालन और फिशरीज पर 18.9% राशि अधिक दी है और इस प्रकार विभिन्न योजनाओं पर अधिक खर्च का प्रावधान कर कृषि को मजबूत करने के लिए प्रयत्न किया गया है। कृषि और सामूहिकता पर 77% जो खर्च होगा, मैडम कृषि सिंचाई योजना पर 8%, कृषि विकास योजना पर 11.3%, फसल बीमा योजना पर 21.5%, ब्याज और सब्सिडी पर 35.8% खर्च किया जाएगा। महत्वपूर्ण पॉलिसी प्रस्तावों की चर्चा अगर हम करें मैडम, तो नाबार्ड में माइक्रो इरिगेशन फंड बनाया गया है और प्रारंभिक तौर पर 5,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। गत वर्ष लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड पर 20,000 करोड़ का अधिक प्रावधान इस बार किया गया है। फसल बीमा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना का कवरेज 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया है और आगामी वर्ष में 50% करने का प्रावधान रखा गया है। कृषि क्रेडिट में भी, मैडम बस एक मिनट में, कृषि क्रेडिट में भी 10,00,000 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। कृषि बाजार में सबसे महत्वपूर्ण और महती योजना है ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जो प्रत्येक को 75,00,000 रुपए देने का प्रावधान किया है और 250 से 585 कृषि मार्केट करने का प्रावधान हमने किया है। इसी तरह डेयरी व्यवसाय को बढ़ाया। अंत में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी, अध्यक्ष महोदय, यमुना जल बंटवारे का प्रकरण जो लंबे समय से लंबित है, राजस्थान का 9% हिस्सा उस जल का है। अगर राजस्थान को ये हिस्सा मिलता है तो मेरा संसदीय क्षेत्र झुंझुनू, पड़ोसी जिला चूरू, न केवल पेयजल का संकट उभरेगा वरन सिंचाई की व्यवस्था हो सकेगी और हम लोग भी डार्क जोन से बाहर आ पाएंगे। इसी तरह मैडम, रोगों को बचाने के लिए उन्नत बीज, खाद की प्रचुर मात्रा की उपलब्धता, बस अंत में इसी तरह से घरेलू खपत की पूर्ति के पश्चात निर्यात भी करें, ये प्रावधान करने के लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री जी का। धन्यवाद।